हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सोशियोलॉजी क्लासेस बी पार्ट टू लेसन एट। आज का टॉपिक है हमारा डाइवोर्स, ओके, विवाह विच्छेद। ओके, तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? विवाह विच्छेद। सो लेट्स वी स्टार्ट दिस वीडियो ऑन दिस टॉपिक ऑन डाइवोर्स। ओके, विवाह विच्छेद का अर्थ पति पत्नी और वैवाहिक संबंधों का सामाजिक और कानूनी रूप से समाप्त हो जाना है। ओके, यद्यपि संसार के सभी समाजों में, चाहे वे सभ्य हो अथवा आदिम, पति और पत्नी के बीच पारिवारिक संबंध सामान्य न रहने की स्थिति में विवाह विच्छेद की अनुमति दी जाती है, लेकिन हमारे समाज में बहुत प्राचीन काल से ही स्त्री द्वारा अपने पति से विवाह विच्छेद करना धार्मिक और सामाजिक रूप से एक भारी अपराध के रूप में देखा जाता रहा है। ओके, तो विवाह विच्छेद का अर्थ होता है पति पत्नी के वैवाहिक संबंधों का सामाजिक और कानूनी रूप से समाप्त हो जाना। यद्यपि संसार में सभी समाज में, देखिए, चाहे वो सभ्य हो या फिर आदिम हो, ओके, पति और पत्नी के बीच पारिवारिक संबंध सामान्य न रहने की स्थिति में विवाह विच्छेद की अनुमति दी जाती है, लेकिन क्या होता है, इस स्थिति का खोखलापन इसी तथ्य से स्पष्ट होता है कि पुरुष चाहे कितना भी क्रूर, दुराचारी और पतित क्यों न हो, विवाह विच्छेद का सारा कलंक स्त्री के ऊपर ही रहता है। पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर तत्काल ही दूसरा विवाह कर ले तो सामाजिक रूप से उसकी आलोचना नहीं की जाती, जबकि स्त्री के लिए विवाह विच्छेद की बात करना एक जघन्य धार्मिक अपराध समझा जाता है। स्त्री के लिए पति देवता है और पुरुषों के लिए पत्नी तारणा की अधिकारी। मनुस्मृति में यह व्यवस्था दे दी गई है, यह व्यवस्था दे दी गई है कि पति के नीच होने पर भी स्त्री को किसी अन्य पुरुष की इच्छा न करके उसकी मन वाणी देह से सेवा करनी चाहिए। यही कारण है कि भारतीय परिवार आंतरिक रूप से चाहे कितने भी विघटित क्यों ना हो, लेकिन इनकी अभिव्यक्ति विवाह विच्छेद के रूप में बहुत ही कम हो पाती है। ओके, भारतीय समाज में विवाह विच्छेद की समस्या हमारी मौलिक संस्कृति का अंग रही है अथवा नहीं, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैदिक संस्कृति में पति के दुष्चरित, क्रूर तथा दुराचारी होने की स्थिति में स्त्री को उससे विवाह विच्छेद कर लेने की अनुमति दी जाती थी। अनेक स्मृतिकारियों ने भी कुछ विशेष परिस्थितियों में विवाह विच्छेद को मान्यता प्रदान की है। वशिष्ठ के अनुसार यदि पुरुष अथवा स्त्री दोनों में से कोई भी पर व्यक्ति गमन का दोषी हो तो दूसरे को उससे विवाह विच्छेदन कर लेने का अधिकार होगा। वास्तविकता यह है कि हिंदू धर्म ग्रंथों में विवाह विच्छेद की अनुमति अवश्य दी गई है, लेकिन साथ ही स्त्री के सामने पति व्रत धर्म को सर्वोच्च आदर्श के रूप में रखा गया। पति चाहे कितना भी अपगुणी क्यों ना हो, यही कारण है भारतीय संस्कृति के लंबे इतिहास में स्त्रियों द्वारा विवाह विच्छेद के उदाहरण बहुत ही कम मिलते हैं। यदि ऐसे उदाहरण होंगे तो धर्मशास्त्रकारों ने उनका उल्लेख नहीं किया। इतना आवश्यक है कि आरंभ में पारिवारिक संगठन और पुरुषों की प्रधानता के दृष्टिकोण से विवाह विच्छेद को मान्यता नहीं दी जाती होगी, लेकिन बाद में जब स्त्रियां आर्थिक रूप से पुरुषों की दया पर निर्भर हो गईं, तब विवाह विच्छेद करके स्त्रियों का जीवित रहना कठिन हो गया। मतलब आर्थिक रूप से वो किस पर निर्भर हो गई थी? पति पर ही, ठीक है, कि उसका पालन पोषण, जो भी खाना पीना है, उसका जो जीविकोपार्जन का पूरी व्यवस्था है वो कौन करेगा? उसका पति करेगा। ओके, वो पूरी तरह से अपने पति पर निर्भर हो गई थी, जिससे क्या होता था, विवाह विच्छेद करके स्त्रियों का जीवित रहना बहुत ही कठिन हो गया था, क्योंकि वो पूरी तरह से अपने पति पर निर्भर थी। ओके, इससे स्पष्ट होता है कि हमारे समाज में विवाह विच्छेद की समस्या का संबंध
प्रमुख रूप से स्त्रियों की जो स्थिति निम्न सामाजिक और आर्थिक स्थिति से ही रहा है। ओके, मतलब स्त्रियों की सामाजिक निम्न आर्थिक स्थिति से ही रहा है जो विवाह विच्छेद का कारण है। ओके, अब है विवाह विच्छेद की वर्तमान समस्या। ओके, प्रेजेंट प्रॉब्लम्स ऑफ डाइवोर्स। एक बहुजन समाज के रूप में भारतीय समाज में विवाह विच्छेद की समस्या विभिन्न समुदाय में एक दूसरे से कुछ भिन्न है। ओके, एक दूसरे से कुछ भिन्न है, मतलब यदि हम एक सामान्यकरण के रूप में इस समस्या के विभिन्न पक्षों पर ध्यान दें तो स्पष्ट है कि ईसाई समुदाय में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मूल्यों का प्रचलन बहुत बहुत पहले से होने के कारण वहां ना तो तलाक को एक समस्या के रूप में देखा जाता है और ना ही तलाक के बाद पुनर्विवाह को नैतिकता के विरुद्ध समझा जाता है। इस्लाम में विवाह एक सामाजिक समझौता है, इस कारण पुरुष द्वारा कभी भी अपनी किसी पत्नी को मौखिक रूप से तलाक देने का प्रचलन समाज द्वारा मान्य रहा है। ओके, जनजातियों की परंपरागत संस्कृति में विवाह विच्छेद का कोई स्थान नहीं था, लेकिन बाहरी समूहों के प्रभाव से अनेक जनजातीय समुदाय में अपृथक्करण तथा तलाक की कुछ घटनाएं सामने आने लगी हैं। इसके बाद भी इन समुदाय में विवाह विच्छेद की घटनाएं उनके पारिवारिक तथा सामाजिक संगठन को अधिक प्रभावित नहीं करती हैं, क्योंकि परंपरागत समाजों की अनेक प्रथाएं तथा व्यवहार के प्रतिमान इन दशाओं में समुदाय के रक्षा कवच का काम करते हैं। ओके, एक समस्या के रूप में विवाह विच्छेद की दशा का मुख्य संबंध विभिन्न वर्गों और जातियों में बटे हिंदुओं से है। ओके, हिंदुओं के सामाजिक तथा धार्मिक मूल्य विवाह को एक संस्कार मानने के साथ ही इसे एक स्थायी सामाजिक संबंध के रूप में मान्यता देते रहे हैं। एक लंबे समय से जनसाधारण की मानसिकता भी इन्हीं मूल्यों के आधार पर विकसित होती रही है। एक समय था जब विवाह विच्छेद की घटनाएं बहुत असामान्य परिस्थितियों में केवल अपवाद के रूप में पाई जाती थी। कोर्ट के द्वारा तलाक, न्यायिक पृथक्करण अथवा गुजारा भत्ता जैसी दशाएं नगरों में कुछ उच्च वर्गीय और आधुनिक लोगों तक ही सीमित थी। आज इन शब्दों का संदर्भ पूरी तरह बदल चुका है तथा पश्चिमी संस्कृति की आयतित दशाओं के बीच तलाक उसी तरह का एक सामान्य व्यवहार बनता जा रहा है जैसा व्यवहार बढ़ते हुए फैशन के अंतर्गत हमें कुछ नए कार्य करने की प्रेरणा देता है। सहज शिक्षा के प्रभाव से जैसे जैसे युवा पीढ़ी के युवक युवतियों के बीच संपर्क बढ़ा, परंपरागत नैतिकता के मानदंडों में परिवर्तन होने लगा। सन 1980 के दशक से देश में जब एक नई टीवी संस्कृति का प्रसार हुआ, तब युवा पीढ़ी की मानसिकता ने धर्म और परिवार की मान्यताओं को दरकिनार करते हुए विवाह या जीवन साथी के चुनाव को अपना व्यक्तिगत अधिकार मानना शुरू कर दिया। ओके, माता पिता तथा परिवार की सत्ता का सम्मान करने के बाद भी जब युवा पीढ़ी के विचारों में नाटकीय रूप से परिवर्तन होने लगा तो उसकी एक धारणा बनने लगी कि दाम्पत्य जीवन को तनाव, घुटन या असमंजस्य के बीच बिताने से यह अधिक अच्छा है कि इसे तोड़कर एक नए जीवन साथी का चुनाव कर लिया जाए। ओके, इसे तोड़कर एक नए जीवन साथी का चुनाव कर लिया जाए। अथवा भविष्य में वैवाहिक बंधन से स्वतंत्र रहकर अपनी उपलब्धियों के सहारे जीवन व्यतीत
किया जाए। इसी मानसिकता के चलते विवाह विच्छेद की दर में वृद्धि होना शुरू हो गई। ओके, विडंबना यह है कि जब निजी टीवी चैनलों को जनसाधारण के लिए किसी भी तरह के कार्यक्रम और धारावाहिक दिखाने की छूट मिल गई, तब काल्पनिक उच्च वर्गीय जीवन शैली की चाहत मध्यम वर्ग का आदर्श बनने लगी। भोंडे कथानकों और दृश्यों पर आधारित धारावाहिक युवकों को, जो युवक हैं, उनको ये प्रेरणा देने लगे कि भौतिक सुखी दाम्पत्य जीवन का आधार है। विज्ञापनों की दुनिया में इस धारणा को बल देना शुरू कर दिया गया कि फैशनेबल वेशभूषा, सौंदर्य प्रसाधन के उपयोग और स्वयं को हॉट दिखाकर ही वो अपनी इच्छा का जीवन साथी प्राप्त कर सकते हैं। इस दशा में पत्नी का दर्जा गृहिणी, मित्र और सलाहकार न रहकर प्रदर्शन की एक वस्तु की तरह होने लगा, जिसकी सहायता से आजीविका के स्रोत को बढ़ाकर उपभोक्तावादी संस्कृति के साथ तालमेल बैठाया जा सके। इस संपूर्ण प्रक्रिया में जब विवाह के बाद पति पत्नी को एक विशेष मोड़ पर पहुंचकर एक दूसरे को अपनी आकांक्षा के अनुरूप नहीं पाते हैं, तो दाम्पत्य संबंधों का बिखराव होना शुरू हो जाता है। स्त्री स्वतंत्रता में वृद्धि होने तथा स्त्री को कानूनी संरक्षण मिलने से उनका अहम पति से समायोजन करने की जगह उस पर अपनी इच्छा के अनुसार चलने का दबाव डालने लगता है। पुरुष का परंपरागत अहम यदि इस दशा को स्वीकार नहीं करता तो दाम्पत्य जीवन में विघटन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसकी अंतिम परिणति तलाक होती है। ओके, यहीं से व्यक्तिक विघटन पारिवारिक विघटन का रूप लेने लगते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा नेक्स्ट टर्न पे विवाह विच्छेद में वृद्धि के कारण कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रेट ऑफ डिवोर्स। ओके, थैंक यू सो मच।